गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में खजुराहो के मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, खजुराहो के मंदिर किस काल से संबंधित है, किस शासक के काल में बने थे और इनका क्या महत्व है, ये कहाँ स्थित हैं, इन सब बातों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। और यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, खजुराहो के मंदिर किस काल के हैं। बुंदेलखंड का प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो नामक स्थान है। यहाँ चंदेल राजाओं के समय में 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अनेक सुंदर तथा भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये पूर्व मध्ययुगीन वास्तु एवं तक्षण कला के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो चंदेल राजाओं के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है और चंदेल वंश की जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था। तो पहले वाले वीडियोस को आप जो प्लेलिस्ट है चंदेल राजवंश उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। खजुराहो में 25 मंदिर आज भी विद्यमान हैं। इनका निर्माण ग्रेनाइट तथा लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। ये शैव वैष्णव तथा जैन धर्मों से संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिरों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, देखिएगा खजुराहो के मंदिरों की विशेषताएं क्या क्या हैं। मंदिरों का निर्माण ऊंची चौकी पर हुआ है जिसके ऊपरी भाग को अनेक अलंकरणों से सजाया गया है। चौकी या चबूतरे पर गर्भगृह, अंतराल, मंडप तथा अर्धमंडप हैं। सभी पर शिखर एक निश्चित रेखा में बने हैं जो क्रमशः छोटे होते गए हैं। इन्हें आरोह वरोह कहा गया है। शिखरों पर छोटे छोटे शिखर संलग्न हैं जिन्हें उरुश्रृंग कहा जाता है। ये छोटे आकार के मंदिर के ही प्रतिरूप हैं। उरुश्रृंगों से मंदिर की आकृति और भी सुंदर हो गई है। सर्वोच्च शिखर के ऊपर आमलक स्तूपिका तथा कलश स्थापित हैं। दीवारों में बनी खिड़कियों में छोटी छोटी मूर्तियां रखी गई हैं। गर्भगृह के ऊपर उत्तुंग शिखर हैं। मंदिर आकार में बहुत बड़े नहीं हैं तथा उनके चारों ओर दीवार भी नहीं बनाई गई है। प्रत्येक मंदिर में मंडप, अर्धमंडप तथा अंतराल मिलते हैं। कुछ मंदिरों में विशाल मंडप बने हैं जिससे उन्हें महामंडप कहा जाता है। मंदिरों के प्रवेश द्वार को मकर तोरण कहा गया है क्योंकि उनके ऊपर मकर मुख की आकृति बनी हुई है। कुछ मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी बनाए गए हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भी काफ़ी अलंकरण मिलते हैं। मंदिरों के सभी अंग एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से संबद्ध हैं जिसके फलस्वरूप खजुराहो के मंदिर एक ऐसे पर्वत के समान लगते हैं जिस पर छोटी बड़ी कई श्रेणियां होती हैं। विकास क्रम की दृष्टि से खजुराहो मंदिरों को कई समूहों में बांटा गया है। वामन तथा आदिनाथ मंदिर प्रारंभिक अवस्था के सूचक हैं। दोनों की बनावट एक जैसी है। गर्भगृह की दीवारें सुंदर ढंग से गढ़ी गई हैं तथा खोदी गई हैं। आदिनाथ मंदिर का शिखर वामन मंदिर से ऊंचा है। दूसरे समूह के मंदिर जगदम्बा, चतुर्भुज, पार्श्वनाथ, विश्वनाथ तथा अंतिम सीढ़ी पर कंडारिया महादेव मंदिर हैं। इनकी बनावट और रचना शैली मूलतः समान है। अंतिम चार के गर्भगृह की परिधि में प्रदक्षिणा पथ से जुड़ा हुआ मंडप है। इसमें तीन और वातायन बने हैं। विश्वनाथ तथा चतुर्भुज मंदिर एक जैसे हैं। इनके प्रत्येक कोने पर पूरक छोटे मंदिर निर्मित हैं जिसके कारण इसे पंचायतन कहा जाता है। जगदम्बा मंदिर में प्रदक्षिणा पथ नहीं है। जैन मंदिरों की योजना भी बहुत कुछ इसी प्रकार की है। अब देखिएगा कंडारिया महादेव का मंदिर। खजुराहो के मंदिरों में कंडारिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर है।
मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। प्रवेश द्वार काफी अलंकृत है। इसमें चौकोर अर्धमंडप तथा वर्गाकार मंडप है। मंडप के बाजू का भाग गर्भगृह के चारों ओर विस्तृत है तथा बारजे के वातायन से जुड़ा हुआ है। गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा शिखर तथा कई छोटे छोटे शिखर बनाए गए हैं। इनकी दीवारों पर बहुसंख्यक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। एक सामान्य गणना के अनुसार यहां खुदे हुए रूप चित्रों की संख्या 900 के लगभग है। इनमें मकर, विदाधर, संगीतज्ञ, बाघ तथा कामासक्त मिथुन मूर्तियां दिखाई देती हैं। बाह्य भाग में प्रेमी युगल, देवी देवता, देवदूत आदि अंकित हैं। सभी सजीव एवं आकर्षक हैं। मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग स्थापित किया गया है। इस प्रकार कंडारिया महादेव का मंदिर खजुराहो के मंदिरों का सिरमौर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि खजुराहो के मंदिरों का सिरमौर कौन सा मंदिर है, वह आपका कंडारिया महादेव का मंदिर। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। इसकी बाहरी दीवारों पर जैन मूर्तियों की 3 पंक्तियां खोदी गई हैं। वैष्णव मंदिरों में चतुर्भुज मंदिर उल्लेखनीय है। इसका वास्तु विन्यास कंडारिया महादेव जैसा ही है। यहाँ के कुछ अन्य मंदिर इस प्रकार हैं: 64 योगिनी, ब्रह्मा, लालुआ महादेव, लक्ष्मण, विश्वनाथ मंदिर आदि। ये सभी वास्तुकला के अति उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वास्तुकला के समान खजुराहो के मंदिर अपने तक्षण कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इनकी भीतरी तथा बाहरी दीवारों को बहुसंख्यक मूर्तियों से सजाया गया है। गुंबददार छतों के ऊपर भी अनेक चित्र उत्कृष्ट हैं। यद्यपि यहाँ की मूर्तियाँ उड़ीसा की मूर्तियों की भांति सुदृढ़ तो नहीं है, तथापि उनसे कहीं अधिक सजीव तथा आकर्षक प्रतीत होती हैं। खजुराहो मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ कई दिग्पालों, गणों, अप्सराओं, पशु पक्षियों आदि की बहुसंख्यक मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। अप्सराओं या सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों ने यहाँ की कला को अमर बना दिया है। ये मंदिर के जंघाओं, रथिकाओं, स्तंभों, दीवारों आदि पर उत्कीर्ण हैं। उन्हें अनेक मुद्राओं और हाव भाव में प्रदर्शित किया गया है। कहीं वे देवताओं के पार्श्व में तथा कहीं हाथों में दर्पण, कलश, पद्म आदि लिए हुए दिखाई गई हैं। कहीं अप्सराओं के रूप में वे विभिन्न मुद्राओं में नृत्य कर रहे हैं। पैर से कांटा निकालती हुई नायिका, अल्लस नायिका, माता और पुत्र सहित बहुसंख्यक मिथुन आकृतियां खोदकर बनाई गई हैं, जो अत्यंत कलापूर्ण एवं आकर्षक हैं। कुछ मूर्तियां अत्यंत अश्लील हो गई हैं, जिन पर संभवतः है तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव लगता है। इस प्रकार समग्र रूप से खजुराहो के मंदिर अपनी वास्तु तथा तक्षण दोनों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। केजे वाजपेयी के शब्दों में प्रकृति और मानव की ऐहिक सौंदर्य राशि को यहाँ के मंदिरों में शाश्वत रूप प्रदान कर दिया गया है। शिल्प श्रृंगार का इतना प्रचुर तथा व्यापक आयाम भारत के अन्य किसी कला केंद्र में शायद ही देखने को मिले। ठीक है, तो देखिएगा, हमने खजुराहो के मंदिर में जो भी देवी देवताएं हैं उनकी मूर्तियों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। और जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल राजवंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को बार बार देखें। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।